हेलो, आज हम आपको चिरौंजी का हलवा बनाना सिखाएंगे। यह हलवा आप व्रत में, नवरात्रों के व्रत में बनाकर खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बनाने में भी आसान है। इसको बनाने के लिए हमने एक कटोरी चिरौंजी ली है, जिसे तवे पे डालकर सूखा ही भून लिया है। इसको हल्के सेक पर भूनना है ताकि ये जले नहीं, इसे हिलाते रहना है। हल्के सेक पे भूनने से इसमें जो है कच्चापन निकल जाएगा और जो है उसका जलेगा भी नहीं। नहीं, अगर हम तेज़ सेक पे करेंगे तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको रंग बदलने तक हम देख लेंगे कि ये भुना है कि नहीं। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी हमारा ये थोड़ा सा रंग बदला नहीं है, इसलिए हम इसे चला रहे हैं पर हल्के सेक पर ही। अब देखिए इसका रंग कितना अलग हो गया पहले चिरौंजी के हिसाब से। हमने एक कटोरी चिरौंजी ली है, जिसे खाली कढ़ाई में डालकर भून लिया है। हल्के सेक पर भूना है ताकि ये जले नहीं और भून भी जाए। जब ये भुन गई है तो अब इसको ठंडी होने के लिए रख दिया। ठंडी होने के बाद हम इसको मिक्सी जार में पीसेंगे। इसको पीसने में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे लगातार चला के नहीं पीसना है, क्योंकि ये जो है फिर पूरी अच्छी तरह नहीं पीसेगी। इसके लिए इसको 2 मिनट मिक्सी को चलाएं, फिर रोक दें, फिर थोड़ी देर में चलाएं और फिर रोक दें। इस तरह इसमें भी ऑयल होता है, इसका ऑयल निकल जाएगा तो फिर ये अच्छी तरह पिसेगी नहीं। इसलिए इसको हम 2 मिनट चलाएंगे, फिर 2 मिनट का ब्रेक देंगे, फिर उसके बाद 2 मिनट में हम इसको पीसेंगे। ये चिरौंजी हमारी पिस गई है और देखिए कितनी अच्छी तरह से पीसी है। हमने इसे लगातार नहीं पीसा है, बल्कि थोड़ी देर बाद थोड़ा रोक रोक के पीसा है। लगातार पीसने से फिर इसका टेक्सचर बदल जाता है। हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी लेंगे और जो हमने ये पीसी थी चिरौंजी, इसको इसमें डाल देंगे। ऑयल होता है तो इसलिए ये इसमें चिपक गई। इसे निकाल लो अच्छी तरह से। थोड़ा सा घी हमने इसलिए डाला है, इसका टेस्ट बढ़ जाता है। वैसे तो इसमें ऑयल होता है, ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप ना डालें, पर हम इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच घी हमने इसमें डाल दिया है। अब गैस को हल्का सा सिम पे चलाकर, गैस को सिम पे चलाकर इस चिरौंजी का इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसे चिरौंजी का या हलवा जो बनाएंगे वो कुछ दिन रखा रह सकता है, खराब नहीं होगा जल्दी। ये अच्छी तरह भुन गया और इसका रंग भी बदल गया है। बस हमने गैस गैस को बंद कर दिया है। अब इसको और ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है।
हमने एक कटोरी चिरौंजी ली थी, तो एक कटोरी चीनी हम इसमें लेंगे और इसमें मोटी काली इलायची इसके साथ ही पीस लेंगे, चीनी के साथ ही इसका बारीक पाउडर हम बना लेते हैं तैयार कर। ये हमने मावा घर में बनाया है, 1 किलो दूध का मावा है जिसमें 200 ग्राम मावा बन जाता है। तो हम अब इस मावे में को तैयार करेंगे। पहले हम ये जो पिसी चीनी है मावे में मिक्स कर लेते हैं। हमने चीनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और सिम पे। मावा बनाने की विधि हमने हम अपनी वीडियो में पहले डाली है, उसका पूरा डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब ये मावा गरम कर लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। एक बात का ध्यान रखना है कि मावा नीचे ना लगे और चीनी इसमें, चीनी हमने पहले इसलिए डाली है ताकि हम बाद में डालते तो इसमें लम्स पड़ने का डर था, इसलिए हमने जो है इसको पहले से वो कर लिया। अब ये मावा पिघल रहा है, चीनी भी पिघल रही है और ये पतला हो जाएगा। अब ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो हमने चिरौंजी भून के रखी थी उसको इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, एक सार हो जाए, ताकि आप इसमें जो ड्राई फ्रूट वगैरह डालने हैं, आप काजू बादाम पिस्ता जो भी आपके मर्जी हो आप इस समय इसके अंदर डाल सकते हैं। चिरौंजी का हलवा बनकर तैयार है। आप देखिए कितना अच्छा कलर और कितनी अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी आ रही है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि यह चिरौंजी का बना हुआ है। हम इस पर थोड़ा सा कटा हुआ बादाम और नारियल, अगर आपको हमारी ये रेसिपी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और रेसिपी वीडियो देखने के लिए से हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।